वेलकम बैक इन कार्यक्रम। तो जैसे कि मैं हमेशा आप लोग के लिए आईब्रो थ्रेडिंग की वीडियो लेकर के आती हूँ, तो आज भी वही, और आप देख सकते हैं यहाँ पे बिफोर और आफ्टर दोनों ही लुक लगा हुआ है और बहुत ही सुंदर सा आईब्रो का लुक आया है, थिक आईब्रो है। तो चलिए ये सब कैसे करना है ये सब कुछ मैं आप लोग को आज बता रही हूँ। तो सबसे पहले ऊपर का शेप करना है और ऊपर का शेप आपको फ्रंट में ही रह के करना है। एक बार धागे को लेके जाना है और आज तक आ जाना है और फिर साइड वाला लुक कर लेना है। इस तरह से क्या होगा कि आपका बहुत ही फास्ट और बहुत ही क्लीन आईब्रो बनेगा। आज मैं बहुत फास्ट बता रही हूँ। तो इस तरह से स्ट्रेचिंग करना है, स्ट्रेचिंग करने पे बहुत ही ध्यान देना। देखिए स्ट्रेचिंग कहाँ से फिंगर रखी है कस्टमर, वहां से नहीं रखना, नीचे से जैसे मैं अभी करवा दी। और इसके बाद आपको ऐसे धागे को आईब्रो में लेके जाना है, जितनी चौड़ाई रखना है वहां से आप धागे को लेके जाएंगे और जो भी बन रहा है उसमें हेयर को फंसाना है और निकाल देना है। इस तरीके से लेफ्ट हैंड को प्रेस करेंगे ना तो हेयर निकल जाता है। यदि आप विंगर से बिल्कुल कुछ भी नहीं जानते हैं तो मेरे पहले वाली वीडियोस को देखिए, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो इस तरह से करने के बाद जब आज के पास नीचे मैं आ जा रही हूँ गोलाई पे, यहाँ पे देखिए गोल सा शेप करना है। बहुत लोग इसे बोलते हैं गोल आईब्रो, बट गोल नहीं है, ये आज शेप ही है, सेम ही आज। तो साइड का जब आ गया और इसके बाद इस तरह से पूरे हेयर को निकाल के आईब्रो को कंप्लीट करना है। तो आप देख सकते हैं कि बहुत ही फास्ट एक आईब्रो बन गया लेफ्ट साइड का आईब्रो। और अब आपको बनाना है दूसरा आईब्रो। तो दूसरा आईब्रो जो लेफ्ट साइड है उसको भी बनाने के लिए फ्रंट से ही खड़े होकर के यहीं से काम करना है, जैसे कि मैं यहाँ पे कर रही हूँ। और इतना करने के बाद जैसे ऊपर मैं क्या कर रही हूँ, ऊपर का शेप कर रही हूँ। तो सबसे पहले ऊपर का शेप करना है जिस तरह से राइट आईब्रो का किया गया, सेम बिल्कुल वैसे ही। तो इस तरह से मैं ऊपर का शेप की, आप देख सकते हैं किस तरह से मैं कोशिश कर रही हूँ कि आप लोग को बहुत ही अच्छे से दिखाऊं ताकि कोई भी डाउट ना रहे। साथ में यदि आप फॉरहेड करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं, से बहुत ही क्लीन करेंगे। मैं सामने से इसलिए बताती हूँ ताकि दोनों आईब्रो एक जैसा दिखाई दें, एक जैसा बन पाए। तो इसलिए मैं सामने से ही यहाँ तक आज तक का सेव कर लेती हूँ और इसके बाद पीछे आना है। बट आज मैं क्या कर रही हूँ, आज यहीं से ये भी कर ले रही हूँ, यानी कि जो साइड का जो हेयर है वो भी मैं क्लीन कर ले रही हूँ यहीं से। तो इसी तरीके से आपको भी करना जैसे आपको सुविधा हो, ठीक है। फॉरहेड पे भी थोड़े बहुत हेयर है, उसे भी मैं क्लीन कर ले रही हूँ साथ में। और इसके बाद बारी आती है नीचे का शेप का। तो स्ट्रेचिंग देखिए किस तरीके से हो रहा है, कहाँ से ऊपर से स्ट्रेच करना है, नीचे से कहाँ से करना है, नीचे से बहुत ऊंचाई से कर देने से क्या हेयर भी छुप जाएंगे और शेप नहीं नजर आएगा, तो फिर शेप करना मुश्किल होता है। तो सबसे पहले क्या, फ्रंट के कुछ हेयर को लेना है, दो चार हेयर को, और वो हो जाता है हमारे लिए गाइडलाइन। और उसी हेयर के हिसाब से आपको आगे बढ़ना है। स्ट्रेचिंग सही नहीं होने से देखिए यहाँ पे शेप नहीं आ रहा है। तो स्ट्रेचिंग सबसे पहले सही करवाना है आपको, क्लाइंट का पोजीशन सही रखना है, अपना पोजीशन सही रखना है, ये सब कुछ मैं पिछले वीडियो में बताई हूँ। आप लोग उस वीडियो को जरूर जाके चेक कीजिएगा, मैं उसका यहाँ पे आई बटन लगा दे रही हूँ, आप उसे देखिए और जाइए चेक कीजिए और सीखिए। और मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपको कितना फ़ायदा हो रहा है, आप क्या कुछ सीख रहे हैं, आप विग्नर्स हैं, आप घर में बैठ के काम करते हैं या फिर आपका खुद का पार्लर है, सैलून है, क्या है, सब कुछ मुझे कमेंट कीजिएगा ताकि मुझे भी पता चले कि आप लोगों को मेरी वीडियो से कितना फ़ायदा मिल रहा है। तो इस तरह से देखिए मैं सेव कर ली, पूरा क्लीन भी हो गया और इस तरह से आप लेफ्ट और राइट दोनों ही आईब्रो बन गया। और आज का आईब्रो का शेप आप लोग को कैसा लगा मुझे जरूर कमेंट करके बताइएगा। ये है फाइनल लुक आज के आईब्रो का। तो कैसा लगा, फर्स्ट टाइम है चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर भी कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि उनको भी कुछ फ़ायदा मिल सके। और नेक्स्ट वीडियो किस तरह का आप लोग को चाहिए मुझे ज़रूर कॉमेंट कीजिएगा। थैंक यू।